जाम लग चुका है। मुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। 8 किलोमीटर तक लंबी लाइन है, तो बोल रहे कि कल सुबह हो जाएगी, निकल पाएगी मूर्ति। तो गाइस पिछले 1 घंटे से हम लोग इधर ही है। तो गाइस हम लोग कोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तो गाइस अभी गणेश विसर्जन को स्टॉप कर दिया है, क्योंकि भाई पानी में तो गाइस पूरा बेगमपुरा साथ में। मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज इतने दिन से हम लोग आगमन के व्लॉग बना रहे थे, गणेश दर्शन के व्लॉग बनाए, और आज विसर्जन का व्लॉग बना रहा हूँ। तो काफी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई यही दिन होता है गणेश जी हमारे से दूर हो जाते हैं, फिर 365 डेज के बाद आते हैं। तो आज देखो यार काफी सैड मोमेंट भी रहेगी। तो विसर्जन के लिए हम लोग जाने वाले हैं हजीरा। तो इस बार का प्लान थोड़ा सा कुछ अलग है। हम हर साल पहले सोसाइटी में विसर्जन करते हैं, उसके बाद जाते हैं हम लोग हजीरा। इस बार हम लोग जा रहे हैं अभी सलावतपुरा, हमारे जो घर के पास जो गणेश जी ला रहे हैं वो मूर्ति अभी निकल रही है, तो वहाँ पे जाएंगे। और हमारे जो पीछे है ना वो 12 या 1 बजे उसको विसर्जन के लिए लेके जाने वाले हैं। तो विसर्जन यात्रा 1 बजे की है, तो चलो फटाफट चलते हैं। मैं और ईशान रेडी है, पापा चले गए, तो चलो फटाफट चलते हैं। तो गाइज ईशान और मैं रेडी है, चल चलते हैं, रेडी है। और देखो गाइज इस बार देखो धूप है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। हर साल है ना भाई बारिश आती है, तो देखते इस बार बारिश आती है नहीं। गाइज अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मूर्ति बाहर निकल चुकी है। तो गाइस बाप्पा निकल रहे हैं मोरिया। तो गाइस हम लोग पीछे जा चुके हैं। तो गाइस नाश्ता आ चुका है, और ये जो मजा है ना भाई रोड के बीच में खाने की, भाई लाइफ टाइम भाई नहीं भूल सकते वाली मजा। हमारी मूर्ति जा रही है, और अभी हम लोग निकलते हैं सलावतपुरा, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और वो लोग भी निकलने वाले हैं। गाइस हम लोग इधर पहुंच चुके हैं, और इधर देखो सारा मंडप खुल चुका है, मूर्ति निकलने वाली है अभी। फाइनली गाइस मंडप खुल चुका है, अभी मूर्ति निकालेंगे, और क्रैकर्स भी आ चुके हैं। दर्शन पाएंगे, तब हमको पाना है।
आ चुकी है ठंडी 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 है। गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक आदमी देखो कहाँ पर बैठा हुआ है। ये देखो इसके अंदर गणपति बप्पा के जस्ट नीचे बैठा हुआ, ये लोग ऊपर बैठे हुए और आधे जन पीछे। क्योंकि स्लोप आता है ना पुल पे, इसलिए ना बोल दिया, नीचे से जाना पड़ेगा। गाइस अनुराग द्वार आ चुका है और सामने देखो एक गोल्डन मूर्ति है। गाइस लुथरा सर्कल पहुंच चुके हैं, 4 बजने वाले हैं। गाइस इस बार ना रूट सबके अलग अलग है ना, तो बड़ी बड़ी मूर्तियां भागर से होके जा रही है, हम लोगों ने रूट अलग लिया है जो हम लोग पर्वत जाते हैं। और आगे देख सकते हो लाइन लगी हुई है पुल पर। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। गाइस डुमस से ही जाम लग चुका है, इधर से सीधा जाएंगे तो डुमस जाएंगे। ये मालिक ग्रुप की मूर्ति है, पीछे से मूर्ति आ ही रही है। नीचे भी विसर्जन ही हो रहा है मगडल्ला ओवारा पे। गाइज हम लोग ONGC पर है और ये लोग देख के आए, 8 किलोमीटर तक लंबी लाइन है, तो बोल रहे हैं कि कल सुबह हो जाएगी, तो देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है कल क्या लगता 6 बजे क्या निकल पाएगी मूर्ति या नहीं। ओहो निकल गई भाई, कटो कटी भाई, कटो कटी। लंबा ट्रैफिक लग चुका है और ये कोई लाइन नहीं है, लाइन तो अभी बाकी है, अभी ये पूरा ट्रैफिक है। तो गाइस पिछले 1 घंटे से हम लोग इधर ही है, 7:26 होने वाली है और वो मोरा 4 रास्ता भी आने वाला है, उससे बाईपास होकर हम लोग हजीरा पोर्ट पहुंचेंगे। वहां से 5 किलोमीटर है पोर्ट, तो देखते हैं कि कितना ट्रैफिक जाम है और कितने बचते हैं विसर्जन। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो चुका है, ये दोनों छोटी वाली मूर्तियां है ना, तो पुलिस वाले ना बोल रहे कि अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि किसी मूर्ति को अंदर जाने ही नहीं दिया है ना छोटी वाली मूर्ति को, और हमारी मूर्ति बड़ी वाली आगे चली गई है। और उन्होंने बताया कि भाई आप 5-6 मूर्तियां साथ में कर दो, फिर ट्रैक्टर जाएगा। गाइस देखो 2-3 मूर्तियां छोटी वाली, एक और वो अंकल के हाथ में, अभी जाने देंगे अंदर।
तो गाइस खाली 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। को फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले पर साना है आना ही होगा। तुझको गाना है सुन ले कहना दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे जैन तब हमको पाना है। चुके हैं AMNS हजीराबाद और हमारी मूर्ति काफी पीछे पार्वती पिता महादेवा। तेरे ही कारण जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन में बसा रही, मन रहे तेरा। तो गाइस कुछ ही पल में बाबा चले जाएंगे, काफी सैड मोमेंट होगी अभी। तेरा चाहत गाना चुपता हूँ तेरी माना, तो मान ले तू मान भी ले कहना। तो गाइस हमारा 11 नंबर का क्रेन है, अभी वेट करते हैं कब आता हमारा नंबर। गाइज अभी गणेश विसर्जन को स्टॉप कर दिया है क्योंकि भाई भर्ती ही नहीं है, पानी नहीं है तो कैसे डुबाएंगे। और सब मूर्तियां ना भाई अपने कॉर्नर पे भाई तैर रही है, बाकी देख सकते हो हम लोग वहीं के वहीं खड़े हुए हैं पिछले 1.5 घंटे से। 11 बज चुके हैं, तो देखते कितने बजे आता है हमारा नंबर। Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, 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 Hare Hare,
रात के 12 बजने वाले और इधर वड़ा पाव के लिए मगनमारी। अरे बेचे बेचे पाव, ये देखिए वड़ा पाव मिल गया। भर्ती आ चुकी है, वेट करते हमारे बाद एक और है और उसके पहले एक और है। को फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। गाइस मूर्ति का विसर्जन हो चुका है। अभी भी बहुत सारी मूर्ति है, इनका विसर्जन बाकी है, तो बाहर देखते कितनी लंबी लाइन है और चलते अभी। ओ, खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। पूरा बेगमपुरा साथ में, तेरा चाहत माना चाहता हूँ, तेरी माना तो मान ले तू, मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन के तेरा दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। तो गाइज अभी रात के 3:30 बज चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं सलावतपुरा, अभी फटाफट घर चलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग घर पर आ चुके हैं और अभी रात के 4 बजने वाले हैं, हम लोग करते हैं डिनर। तो डिनर में है हैदराबादी ब्रेड, तो फटाफट खा लेते हैं। और विसर्जन काफी बढ़िया हुआ है, पहले भर्ती नहीं आई थी, उसके बाद भर्ती आई और सारी मूर्तियां बहुत अच्छे से विसर्जन हो चुकी है। सरकार की मूर्ति भी अंदर आ चुकी है, मल्हारी की, विधाता की। खाली बेगमपुरा पूरा 3-4-5 किलोमीटर पीछे है, तो वो भी कल सुबह तक हो जाएगी। इस बार कोई दोपहर तक विसर्जन नहीं चलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला व्लॉग को भी इधर ही एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद है, पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। गैस का डाला। धीमे धीमे जवा दे।